गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर, एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस की क्लास में अपन पिछले कुछ दिनों से भारत की विदेश नीति के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम ये देखेंगे कि भारत की विदेश नीति को लेकर परीक्षा की दृष्टि से हमसे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आप लोगों को इसके लिए किस तरह जवाब देने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं और किस तरह हम क्वेश्चंस आंसर्स इनके देंगे, उस पर आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। इस पर हमसे क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं, इनका वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए। तो इसमें अपन ने कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा की थी पिछली कक्षाओं में, जिनमें एक था ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के संबंध में पंडित नेहरू ने कहा था, क्योंकि हम आज़ादी के बाद से जब विदेश नीति की चर्चा करेंगे तो क्योंकि हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, तो उन्हीं को हम कोट करेंगे कि भारत की विदेश नीति वही है जो कि स्वतंत्रता संग्राम में सोचा करते थे। आज भारत की विदेश नीति उसी का अविकल रूप है जो कि पिछले 60 साल से अपनाई जाती रही है। इसके अलावा अपन ने एक निर्धारक तत्व चर्चा की थी, भौगोलिक दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई राष्ट्र स्वतंत्र होता है तो वह अपनी विदेश नीति का निर्माण करते समय भौगोलिक स्थिति, जलवायु है, हिमालय है, जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, समुद्र है आदि से प्रभावित होकर ही अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। इसके अलावा अपन ने एक पॉइंट लिया था राजनीतिक दृष्टिकोण। यह हम सारी चीज़ें उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो कि विदेश नीति के निर्धारक तत्व कहलाते हैं, जिसमें अपन ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात की, भौगोलिक दृष्टिकोण की बात की। इसके अलावा एक पॉइंट हम ले सकते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण भी हो सकता है, राजनीतिक दृष्टिकोण भी हो सकता है, सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण भी इसमें हो सकता है। इसके अलावा जनसंख्या है, प्राकृतिक संपदा है, ये भी विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में शामिल किया जा सकता है, जिसमें क्योंकि भारत जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही बड़ा राष्ट्र था, अंग्रेजों ने भारत को पराधीन बनाने के साथ साथ आर्थिक शोषण करके भारत को कमज़ोर भी बना दिया था। भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी, जनसंख्या का जीवन निम्न स्तर का था, लघु उद्योग थे वो लगभग नष्ट हो चुके थे, विदेशी सहायता की निर्भरता को समाप्त करना भी अनिवार्य था। भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण हमारे सामने खाद्य समस्या भी थी, जिसने की विदेश नीति को जबरदस्त रूप से प्रभावित किया। तो प्राकृतिक संपदा है, जनसंख्या, ये भी किसी विदेश नीति का निर्धारक तत्व होती है। इसके अलावा राज्य का जो दृष्टिकोण है वो भी निर्धारक तत्व के रूप में शामिल किया जा सकता है। एक विचारधारात्मक दृष्टिकोण है वो भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। इस तरह हम इन पॉइंट्स के द्वारा इस हमारा जो सवाल मैंने आपको पहले बताया था कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से हैं, उनमें इन सब चीज़ों का अपन, चाहे वो जनसंख्या है, प्राकृतिक संपदा है, राज्य का दृष्टिकोण है, विचारधारात्मक दृष्टिकोण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, भौगोलिक दृष्टिकोण है, आर्थिक दृष्टिकोण है, राजनीतिक दृष्टिकोण है, इन सब चीज़ों का वर्णन करके हम हमारे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा सवाल जो हमसे पूछा जा सकता है इसके ऊपर परीक्षा की दृष्टि से, वो है कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम बता सकते हैं कि भारत की विदेश नीति हमेशा से ही सहयोग और शांति की विदेश नीति रही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारत हमेशा ही इस चीज़ का प्रयास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति रहे और सभी देश हैं वो सुरक्षित रहें। इसके अलावा दूसरा जो उद्देश्य हम बता सकते हैं, पराधीन राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन। भारत ने, क्योंकि भारत एक लंबे समय तक पराधीन रहा था,
तो भारत का ये प्रयास रहता है कि जितने भी प्राचीन राष्ट्र हैं उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो, उनको संप्रभुता प्राप्त हो, ताकि वो अपने समस्त प्रकार के कार्यों के अंदर निर्णय ले सकें। इसके अलावा भारत की विदेश नीति के उद्देश्य में हम रंग भेद है, साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है, इन सब का हमने सदैव ही विरोध किया है। रंग भेद का विशेष रूप से हम दक्षिण अफ्रीका के संबंध में चर्चा कर सकते हैं, और रंग भेद की नीति का विरोध करने के अंदर हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहकर रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन भी चलाए, उपनिवेश का भी हमने विरोध किया है, साम्राज्यवाद का भी हमने विरोध किया है, जिसके अंदर विस्तारवादी जो नीति है कि कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र है वो कमज़ोर राष्ट्र को अपने अधीन करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, इस तरह की नीतियों का भी हमने सदैव विरोध किया है। इसके अलावा विदेश नीति के अंदर हम निशस्त्रीकरण है, इस नीति का हमने हमेशा समर्थन किया है कि भारत कभी भी हथियारों को एकत्र करने के पक्ष में नहीं रहा है। पंचशील के सिद्धांत का भी हमने समर्थन किया है। इसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ प्रधानमंत्री जो भारत के रहे हैं उनमें हम चर्चा कर सकते हैं HD देवगौड़ा की, जिसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि HD देवगौड़ा के काल की भारतीय विदेश नीति कैसी रही, क्योंकि HD देवगौड़ा जो भी हमारे बड़े राजनीतिक दल थे जिनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं उन किसी से वो प्रतिनिधित्व तो नहीं करते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है वो भी एक बड़े रूप में रही है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एक बड़े रूप में रही है, तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो कद है वो विश्व स्तर का रहा है, लेकिन HD देवगौड़ा एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको इस पद पर आने का मौका मिला। तो उनके समय की जो विदेश नीति है इसके ऊपर भी हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि देवगौड़ा ने भारत में आर्थिक उदारीकरण करने के लिए भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे, जिसमें बाजार मूल्य प्रणाली, खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, अमेरिका के साथ भी बेहतर लाभ एवं प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने की HD देवगौड़ा ने कोशिश की थी। ऐसा भारत के लिए अत्यंत आवश्यक भी रहा, इसके साथ भारत के पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध सुधारने का भी HD देवगौड़ा ने प्रयास किया। तो इस तरह जो अपन ने विदेश नीति के टॉपिक पे चर्चा की थी उसके ऊपर अपने से अलग अलग इस तरह से निर्धारक तत्वों को लेकर है, या विदेश नीति के उद्देश्यों को लेकर है, या कोई भी प्रधानमंत्री रहा है उसके समय में भारत की विदेश नीति कैसी रही है, इन चीज़ों को लेकर हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जिस तरह हमने चर्चा की है इस हिसाब से हमें उनके उत्तर देने हैं। थैंक यू।